हमारे घर की लाइटिंग इतनी ही ज्यादा प्यारी लग रही है ना, और रंगोली लोगों ने पटाखे लाए, ये देख लो पटाखे, पिछली बार मैंने भाषण दिया था पर वेलकम टू माई चैनल। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रही हूँ। मैंने अपने बर्थडे पे ब्लॉग बनाया था पर मेरे फोन की स्टोरेज ही नहीं थी, तो उतना अच्छा खासा ब्लॉग नहीं बना था और उससे मैंने अभी तक भी नहीं डाला। इससे पहले आई विल ट्राई टू पोस्ट माई बर्थडे ब्लॉग, उसके बाद दिवाली ब्लॉग डाल दूँगी। तो आज है दिवाली, मैंने बोल ही दिया हैप्पी दिवाली। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हमारे घर की सफाइयाँ हो चुकी हैं। मैं नहा धो के मैंने खुद की सफाई भी कर ली है और अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत सामान है रंगोली के लिए, कलर्स लेने जा रहे हैं और ऐसे थोड़ा छोटा मोटा स्टफ़ लेने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा वाई नॉट टू व्लॉग, काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं मेरा जा रहा है बिकॉज अब मेरा मन ही नहीं करता। लाइक आई फील लाइक आई एम डन विद व्लॉगिंग, और मैंने सिर धोया था, बाल वगैरह बांध के, देन वी विल गो टू दी मार्केट, देन आई विल मीट यू गाइस। ओके जी, तेरे मम्मा दिवाली आज कुछ बोलो। हैप्पी दिवाली सभी को, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करे। मैं सोच मम्मी से भी मिला देती हूँ, बहुत टाइम हो गया। दिवाली है तो मम्मी ने बोला बाल बांध ले क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक वाली जनानी अब बहुत बार फिर रही होती है, ऐसा मेरी मम्मी का कहना। तो बड़े के बाद माननी चाहिए, तो मैंने जूड़ा मान लिया और अभी हम लोग जा रहे थे। और मैंने कल रात को ही अपना ये सजा लिया था घर लाइटों के साथ, और गेट को भी मैंने सजा लिया था। अभी दिखाऊँ ये रात को ज़्यादा बेटर लगेगा, तो मैं आप लोगों को रात को दिखाऊँगी अपनी ये जो मैंने खुद से। तो गाइस आई एम बैक होम और बाजार में इतना रश है ना, इतना ज़्यादा रश है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू। जो लोग दिवाली वाले दिन बाहर निकले हैं ना, दे नो एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा रश था तो मैं कलर्स लेके आई हूँ, और एक वो जो फ्लावर्स वाली जो कैंडल्स नहीं होती है जो ऐसे रोज शेप में रहती है वो, और एक सुंदर सा एक दिया लेके आई हूँ, और मम्मा अपने कुछ ऐसे सामान सामून लेके आए हैं। और अभी बज रहे हैं 3:40, तो मैं फटाफट से रंगोली बना लेती हूँ क्योंकि 4 बजने वाले हैं और पूजा का टाइम भी कुछ 6-7 के बीच ही है। तो मैं फटाफट से पहले रंगोली बना लेती हूँ, देन आई शो यू, क्योंकि वो डिज़ाइन मैंने फ़ोन से लिया और तुम्हारी बहन के पास एक ही फ़ोन है और वो उसी फ़ोन से डिज़ाइन देखेगी, डिज़ाइन दे रही थी रंगोली बनाएगी। तो आई डोंट हैव तुम लोगों को रंगोली का ऐसे कोई टाइम लैप्स नहीं मिलेगा बनाने के, आई विल शो यू द रंगोली। ओके जी, हाय एवरीवन, तो आई एम रेडी फॉर दिवाली। टाइम हो रहा है 6:30, लास्ट मैंने आप लोगों से 3:40 पर बात की थी जब मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट की थी, तो मैंने रंगोली भी बना लिया, मैंने मंदिर भी सजा लिया और मैं खुद भी सज गई हूँ। तो अभी दिए वगैरह जलाएंगे, देन वी विल डू पूजा, और उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, वहाँ पर भी दिए जलाऊँगी, फिर उसके बाद हाँ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। एंड मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया, ऐसा लग रहा है मैंने आईज पे थोड़ा ऐसे काम कर रखा है, बट नो, मैंने काजल स्मज किया और हाइलाइटर मैंने यहाँ इनर कॉर्नर्स पे दिया, और एज अ लाइटर भी उसे लगा लिया, लाइटर एज आई शेडो भी उसे लगा लिया। तो हाँ, ये वही सूट है जो मैंने वृंदावन में भी पहना था और अभी मैं सेकेंड टाइम डाल रही हूँ। मैंने सोचा मैं करवा चौथ पे तैयार होंगी, बट मैंने कहा क्यों तैयार हो ना, किसके लिए तैयार हो ना, कोई बंदा हो बंदा उसके लिए तैयार हो ना, एवी प्रेस के हुए कपड़ों के प्रेस खराब करो। तो आज दिवाली, तो मैंने कहा इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा, तो आज मैं ये सूट डाल लेती हूँ और मैं आप लोगों को अभी रंगोली बनाती रंगोली दिखाती हूँ, हमारी लाइटिंग वगैरह दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमारे घर की लाइट नहीं ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, और रंगोली भी तुम लोगों ने देख ली। इस बार मैंने बिल्कुल छोटे से भी चल वो भजन चल रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी, ठीक है। इस मैं और मम्मा जा रहे हैं मंदिर बत्तियाँ जगाने के लिए, तो मैंने मम्मा को बोला मेरा फ़ोन कहाँ पे है, तो मम्मा बोल रहे हैं फोन था करना, तो फ़ोन ही चलाती रहा। मैं क्या भाई, मैं व्लॉग बनाना आप भूल गई मैं कि मैं एक जमाने में व्लॉगर थी, एक जमाने में। अब हम करेंगे अपने घर में पूजा, तो हाँ
जय समय जो पड़े मान विश्वास, उसके घर में लक्ष्मी सदा ही करे विश्वास। जय जय महालक्ष्मी पूरन की जो काम, देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेरा लड़ुआन का भोग लगे संतर। गाइस हम लोगों ने पूजा भी कर ली है, अभी फोटोज वगैरह भी खींचती है और फोटोशूट हो गई। हाँ, और हमारे फोटोशूट, और मम्मी ने मेरी बहुत प्यारी प्यारी फोटोज खींची हैं और वीडियोज बनाई हैं। अब मेरी मम्मी थोड़े ऐसे कैमरा वीडियोग्राफी में और फोटोज खींचने में थोड़ी सी एक्सपर्ट हो रहे हैं। 10% नहीं, 10% भी काफ़ी अच्छी अच्छी खींची हैं। और आप लोगों को ये डेकोरेशन और हमारा मंदिर कैसा लगा मेरे को पक्का बताना। और अभी हम लोगों ने पटाखे लाए, ये देख लो पटाखे। पिछली बार मैंने भाषण दिया था पर वीडियो बड़े कम लोगों के तक गई थी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। पर जिन लोगों तक भी गई थी उन लोगों में किसी में सुधार नहीं है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग भी लाए, हमारे पता क्या बोल, जो मेरे दादू थे ना पता क्या बोलते थे, शगुन है कि थोड़ी सी वो ले आओ पटाखे शगुन कर लो। हाँ, मेरे आतिशबाजी पटाखे उठो के नहीं बोलते थे। हाँ, तो हम लोग लाए हैं, वो लाए हैं, तो वो लाए हैं एक फुलझड़ी और एक अनार। बस कुछ ज़्यादा ऐसे ठाठू वाले पटाखे लाए नहीं है, तो ठाठू वाले लोग अभी देखो हाय राम। और अभी हम लोग जब हम मंदिर जा रहे थे ना वहाँ बत्तियाँ जगाने, रास्ते में एक भी कुत्ता नहीं था, एक भी कुत्ता नहीं था। हमारे प्यारे डॉग कोई नहीं था, कोई भी, कोई वाइट रानी चुड्डी चुड्डू कोई भी नहीं नजर आया। सारे डर के पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गए हैं, छुप के, क्योंकि लोग तो सुधर नहीं सकते। तो अभी हम लोग जाएंगे छत पे, थोड़े बहुत ऐसे फुलझड़ी चलाते हैं, एक अनार चलाते हैं, फिर डिनर करेंगे और फिर हम सो जाएंगे। आज मैं कोई भाषण नहीं दूँगी, पिछली बार भी दिया था तो लोगों को तो फर्क हमारे क्या ही बोलो मैं। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली। गाइस मैंने ग्रीन बिंदी लाई है क्योंकि मैंने ग्रीन सूट पहना है। चलो